दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला है सोनी के अपकमिंग स्मार्टफोन सोनी एक्सपीरिया आई 2 के बारे में, जो कि एक कॉम्पैक्ट फोन होने वाला है और ये दोस्तों बहुत जल्द लॉन्च किया जाने वाला है। लीक्स के अकॉर्डिंग दोस्तों ये एंट्री लेवल का स्मार्टफोन होने वाला है और पिछले दिनों ये गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट किया गया था, तो उधर से इस फोन के कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आ गए हैं। साथ ही दोस्तों इस फोन के रेंडर्स भी बाहर आ गए हैं विद केस। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशन प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज अगर आप इस फोन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो रेंडर्स आपके सामने है, डिजाइन और लुक्स वाइज फोन कुछ इस प्रकार का देखने को मिलने वाला है। वैसे भी सोनी के जो भी फोन लॉन्च किए जाते हैं डिजाइन और लुक्स वाइज सभी फोन सिमिलर ही होते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बिल्ड के बारे में बात करें तो इसका बैक पैनल प्लास्टिक का ही मिलेगा, फ्रंट की तरफ वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बेजल्स और चिन एवरेज टाइप के देखने को मिलेंगे और फ्रंट की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 के प्रोटेक्शन देखने को मिलेंगे। डिजाइन और लुक्स वाइज फोन ठीक ठाक मिलेंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों 5.5 इंच का डिस्प्ले इसमें देखने को मिलेगा, कॉम्पैक्ट फोन है तो इसलिए छोटा डिस्प्ले इसमें देखने को मिलेगा। HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले होगा, IPS LCD का पैनल इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, एमोलेड स्क्रीन नहीं होगी। पहले लीक्स निकल के आ रहे थे कि इसमें एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी, बट अभी करंट लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि एमोलेड स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी। वैसे भी एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है तो डिस्प्ले वाइज फोन ठीक ठाक हो। कैमरे के बारे में बात करें तो पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप के साथ ये फोन आएगा। लीक्स के अकॉर्डिंग 12+5 MP का डुअल कैमरा सेटअप होगा, 12 MP का प्राइमरी सेंसर होगा, सेकेंडरी सेंसर जो होगा वो 5 MP का होगा जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा और फ्रंट की तरफ दोस्तों इसमें 5 MP या फिर 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। कैमरा बाकी एंट्री लेवल के स्मार्टफोन से काफी अच्छे देखने को मिलेंगे क्योंकि सोनी का फोन है तो कैमरा काफी जबरदस्त होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में, तो अभी तक बैटरी की जानकारी निकल के नहीं आई कि कितने एमएच की देखने को मिलेगी। और ये कॉम्पैक्ट फोन है तो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग 3500 mAh या फिर 4000 एमएच की बैटरी इसमें देखने को मिल सकती है। साथ में 10W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, 10W की फास्ट चार्जिंग नहीं 10W की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इसमें दोस्तों LPDDR4X रैम मिलेंगे, eMMC 5.1 स्टोरेज, 3.5 mm जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस लॉक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों लीक्स के अकॉर्डिंग इसे 4GB 64GB 4GB 128GB 6GB 128GB के तीन वेरिएंट में लॉन्च किए जाएंगे और आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं इस फोन के चिपसेट के बारे में, तो इसमें मीडियाटेक हीलियो P35 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक 12 nm फैब्रिकेशन प्रोसेस का चिपसेट है, तो मतलब ये काफ़ी ओल्ड चिपसेट है, पुराना चिपसेट है और ये एंट्री लेवल का ही चिपसेट है, बट P की जगह G35 होता तो और भी ज़्यादा बेटर होता। तो गाइज ये थे इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशंस। अगर बात करते हैं दोस्तों इस फोन के प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में, तो आपको बता दूं कि ये एंट्री लेवल का भले ही स्मार्टफोन है बट दोस्तों सोनी के जो फोन होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो वो कम से कम इस फोन की प्राइस जो होगी वो 15-25,000 के बीच होगी, मतलब 15-25,000 के करीब इस फोन की प्राइस हो सकती है। और दोस्तों लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो अभी तक दोस्तों इसकी जानकारी निकल के नहीं आई है, लीक्स निकल के आ रहे थे कि कल का ही डेट का लीक्स निकल के पहले आ रहे थे 19 मई को लॉन्च किया जाएगा, बट अभी तक इसके कोई ऑफिशियल डेट्स बाहर निकल के नहीं आए। देखते हैं दोस्तों कब तक ये फोन लॉन्च किया जाता है और किस प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च किया जाता है। वैसे भी ये फोन इंडिया में तो देखने को नहीं मिलेगा मुझे भी लगता है, क्योंकि इंडिया में सोनी के फोन भी लॉन्च नहीं किए जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों कब तक लॉन्च किया जाता है, किस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, कोई सुझाव है दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए।